गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने द्वित्व व्यंजन पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। ठीक है, पेज नंबर 49 पर संयुक्त व्यंजन हिंदी की टेक्स्ट बुक में बीच में सीधी रेखा वाले शब्द, मतलब जो ये बीच में एक रेखा लाइन खींची होती है वह शब्द हम देखेंगे, लाइन इन द मिडल। इन वर्णों की घुंडी को छोटा करके लिखते हैं। अब क कैसे लिखते हैं, ये हमने सीधी लाइन की, फिर ऐसे यहाँ से टर्न किया और ये जो हम मोड़ करते हैं यहाँ से, इसको बोल रहे घुंडी, मतलब कि मोड़ना, उसको हम थोड़ा ही करेंगे ऐसा। इन वर्णों की घुंडी को छोटा करके लिखते हैं, ये मैंने देखो पूरा नहीं किया ना, यहाँ पे पूरा है, यहाँ तक का टर्न है, यहाँ मैंने थोड़ा सा ही किया, तो इसको छोटा करके लिखते हैं वह शब्द हम अभी देखेंगे। क, क प्लस ख इज ख, ख मतलब क और ख को साथ में बोलना है और शब्द बनेगा मक्खी। क और ख को साथ में बोलेंगे तो क्या बनेगा, म क खी का क्या हो जाएगा, मक्खी। ठीक है, अब ये क्या है, फ है, फ को भी यहाँ पर पूरा टर्न किया हुआ है इस साइड, उसी को यहाँ छोटा कर देना है। देखिए यहाँ पर छोटा हो गया ये लाइन, है ना, ये मैंने आपको अभी करके बताया वैसे। क पूरा नहीं लिखना है, उसकी गुंडी को छोटा कर देना है। फ, फ प्लस त इज त और शब्द दफ्तर, दफ्तर, फ और त को हम साथ में बोल रहे हैं, शब्द बना दफ्तर। अंत में सीधी रेखा वाले शब्द, ये मिडल रेखा वाले शब्द हमने देखे, मिडल लाइन वाले, अब ये है अंत में, मतलब कि ये जो लास्ट में लाइन खींची है वह शब्द लाइन एट द एंड। वर्णों की सीधी रेखा हटाकर, मतलब ये सीधी रेखा को हटाकर दूसरे वर्ण के साथ जोड़ते हैं वह शब्द हम पढ़ेंगे। मतलब ये च जो पूरा लिखा है, ये डंडी है इसकी, उसको हटा देना है। च प्लस छ, देखिए यहाँ पर हट गई ये लाइन, च को आधा लिखा और छ से जोड़ दिया, शब्द बना अच्छा। वैसे ही प प्लस य इज प्य और शब्द क्या बना, प्यार। स प्लस त, तो स को आधा कर दिया, इसकी ये लाइन जो लास्ट वाली लाइन है वह हटा दी और त के साथ ज्वाइंट कर दिया, तो हमारा शब्द बना नमस्ते। समझ में आया आपको, लाइन इन द मिडल और लाइन एट द एंड हमने पढ़ा। अब हम देखेंगे गोलाकार व्यंजन। ठीक है, तीन प्रकार के व्यंजन हमने देखे, कौन से हैं ये, बीच में सीधी रेखा वाले शब्द देखे हमने, अंत में सीधी रेखा वाले शब्द देखे, अब हम देखेंगे गोलाकार वाले व्यंजन। मतलब कि गोलाकार करने से जो लिखते हैं, ये द लिखते हैं ऐसा, फिर ये गोल किया, फिर द, ट में भी गोला है और ड में भी गोला है। इन व्यंजनों में हल चिन्ह लगाकर लिखते हैं, द प्लस य द्य, ट प्लस ठ ठ, ड प्लस ढ ढ और शब्द क्या बनेंगे, द प्लस य द्य को मिलाकर शब्द बनेगा विद्यालय। देखिए बोलने में द और य को हम साथ में बोलेंगे, है ना, विद्यालय। ट प्लस ठ ठ, शब्द क्या बना, मुट्ठी, इसको ट और ठ को साथ में बोलना है, मुट्ठी। और ड ढ इज, ड प्लस ढ इज ढ, शब्द है बुढ़ा। ठीक है, बुढ़ा बोलने में हम ड और ढ को साथ में बोलते हैं, इतना आपको समझ में आया। चलो टर्न योर पेज, पेज नंबर 5050
इसमें है अभी जो हमने पढ़ा उसकी एक्सरसाइज, चित्रों के नाम लिखिए। अब ये चित्र दिए गए हैं, उनके नाम हमें लिखने हैं जो अभी हमने पढ़े। कौन सा हमने पढ़ा अभी? संयुक्त व्यंजन। क्या पढ़ा हमने? ये सारे संयुक्त व्यंजन वाले शब्द हैं, उन्हें हमें चित्र देखकर लिखना है। ये कौन सा चित्र दिख रहा है आपको? मक्खी का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? म क प्लस ख को ज्वाइन करेंगे, मक्खी। वैसे ही फॉर त को यहाँ ज्वाइन करना है, दफ्तर। बुढ़ा, मटका, चिट्ठी और मक्खी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उचित शब्द छांटिए और वाक्य पूरे कीजिए। मुझे प्यास लगी है, यहाँ पर हमें दो ऑप्शन दिए गए हैं। प्याज लगी है नहीं आता है, इसलिए हमें प्यास लगी है लिखना है, यहाँ पर प्यास आएगा। फूलों का क्या होता है? अच्छा होता है या गुच्छा होता है? गुच्छा। फूलों का गुच्छा लाओ। सदा सत्य बोलो, सत्य मतलब सच। ठीक है, सदा सत्य बोलो, अस्त नहीं आएगा, सत्य आएगा। तो यहाँ से हमें शब्द देखना है, संयुक्त व्यंजन वाले शब्द है तो यह ज्वाइन किया है, सारे शब्द उसी प्रकार के हैं। सत्य यहाँ पर लिखना है, सदा सत्य बोलो। लास्ट है हमारा, नन्हा खरगोश डर गया। ये नन्हा यहाँ पर लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। अब है इसको लर्न करने की बारी। ठीक है, मैं जो भी पढ़ाती हूँ उसे आप ध्यान से पढ़ा कीजिए, फिर से एक बार रिवाइज करना, रीड करना और इसको लिख लेना। ओके, थैंक यू।